नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए तीन जगहों पर रेड कर इन्हें सील किया गया है। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने तीन जगहों पर छापेमारी की थी। यहां पर कैफे की आड़ में अनैतिक कार्य किए जा रहे थे और युवाओं को गलत दिशा में धकेला जा रहा था, जिसके चलते यहां पर छापेमारी की गई थी और चार लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। निगम ने इन सभी बिल्डिंगों के संचालकों को नोटिस देकर इस बिल्डिंग के बारे में जब जानकारी ली तो कोई भी बिल्डिंग मालिक दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके चलते निगम की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए इन तीनों जगहों को सील कर दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि रेजिडेंशियल जगह पर कमर्शियल गतिविधियां की जा रही थी और साथ ही साथ यहां पर अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। अवैध निर्माण के तहत इन पर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए तीनों जगहों को सील किया गया है और भी ऐसी जो जगह है यमुनानगर जगाधरी के अंदर उन्हें भी सील किया जाएगा। वहीं मौके पर आए पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन तीन जगहों पर जहां सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कैफे की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे, जिस पर पुलिस ने कुछ दिन पहले कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कैफे की आड़ में युवाओं को भ्रमित कर गलत दिशा में धकेलने वाले किसी भी कैफे को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए अगर कोई ऐसे कार्य कर रहा है तो उसे तुरंत बंद कर दे, नहीं तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौली की रिपोर्ट। यमुनानगर जगाधरी म्युनिसिपल एरिया में जो अवैध बिल्डिंग बन रही है उनके तहत इनकी कार्रवाई की गई है। सर, कौन कौन सी जगह की गई है कार्रवाई? ये जीएनजी कॉलेज के साथ वाली गली में हुई है दो जगह कार्रवाई, एक जगह यहाँ कार्रवाई हुई है। यहाँ इन्होंने बेसमेंट बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर है। आप ये सामने देख रहे हो, इनको हमने पहले नोटिस सर्व किया था 26/4 को, ये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करो। उसके बाद में फिर हमने इनको 10/5 को फिर सुनवाई का मौका दिया था। उन्होंने इसके कोई भी जो है ना अप्रूव सेंक्शन प्लान वगैरह पे नहीं दिखाए, जिसके तहत ये कार्रवाई अपन बनाई जाएगी। तो सर आगे भी? हाँ, आगे कंटिन्यू रहेगा सर। तो सर बिल्डिंग बनी हुई थी या फिर अभी बनी? बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें कोई उल्टी सीधी गतिविधि चल रही थी, जिसके जो है एक संगठित कमेटी गठित की गई थी, जिसके तहत इस पर कुछ दिन पहले रेड हुई थी। उसके बाद में इनसे कागज मांगे गए थे, एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल में आप कमर्शियल गतिविधि कर रहे हो तो उसी के तहत जो है ना कागज मांगे गए, तो ये सामने पड़ी बात हो, उसके बाद में इस पर कार्रवाई बनाई गई है। तो सर निगम के राजस्व को भी घाटा पहुँचाया जा रहा है करके? अभी ये रिप्लाई नहीं दे पाए सर, वो तो जो भी तबके सामने आई है वो आपको अवगत कराया जाएगा। बिल्डिंग में कुछ अनैतिक कार्य चल रहे थे जिसकी फिर टाउन प्लानिंग ने जाँच करी है, इनके कागजों में भी कमी पाई गई, जिस कारण से आज इस टीम के साथ आकर इनको सील किया। पुलिस ने भी सर पहले इन्हीं जगह पर कार्रवाई की थी, रेड डाली थी? हाँ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है जो अनैतिक कार्य यहाँ पर चल रही है। कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज था? ये चार आदमी के खिलाफ पर्चा। आगे भी सर कार्रवाई जारी है? ये जारी रहेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।